उमरिया जिले के पाली तहसील के ग्राम सुंदरी में पिछले 2 वर्षों से नल जल योजना ठप पड़ी है। ग्रामीणों को प्यास बुझाने के लिए नल जल योजना से उम्मीद थी कि पानी मिलेगा। ग्राम सुंदरी के ग्रामीणों का कहना है कि नल जल योजना चालू होने के बाद केवल 1 हफ्ते चलकर बंद हो गई, लेकिन पीएसी विभाग से कोई देखने नहीं आया। ग्रामीणों को बूंद बूंद पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। एक हैंडपंप के सहारे सुंदरी गांव पानी पी रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पीएसी विभाग की लापरवाही से पेयजल संकट बना हुआ है। टंकी बंद है? ये बंद है। कब से बंद है? कम से कम 1-2 दिन चला होगा, नहीं तो बंद है। आजकल कोई अधिकारी तक यहाँ कितने साल हो गए हैं? यहाँ बना होगा 2 साल हो गया होगा इसका बनने। यहाँ तब से बंद है। कैसे पानी भरता है? पानी जो उसमें ऊपर नहीं जाता तो कहाँ से पानी, जब नीचे से नहीं आता तो ऊपर कहाँ चढ़ेगा सर? मोहल्ला में आधा दूर तक पाइप लगा, बाकी आधा दूर तक पाइप नहीं लगा है। शासन चाहते कि हर मोहल्ले में पाइप लगना चाहिए, हर घर घर पानी मिलना चाहिए। वहीं इस मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे ने कहा कि इस समस्या के समाधान हेतु वे जिला कलेक्टर और पीएचई विभाग के अधिकारियों से मिलेंगे। ऐसी कोई चूक हुई है या कोई कमी पाई गई है तो उसको मैं निर्धारित फोरम में उठाऊंगा। जिले के कलेक्टर और पीएचई विभाग से बातचीत कर उसको जल्दी सॉर्ट आउट कराने का प्रयास करूंगा और इस मामले को तह तक जाते हुए जल्दी से जल्दी गरीबों को लाभ मिले, नल जल योजना का लाभ मिले, इसके बारे में मेरे द्वारा पहल की जाएगी। नीरज सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट।